السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई अरब न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई अरब मुझे हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज़ देती हैं। मोहतरम नाजरीन तालिबे दुआ अब्दुर्रहमान साजिदी सलफ़ी, नाजरीन सातवीं नशिश्त रमज़ानुल मुबारक ऐसे गुजारे में आपका फिर तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की नशिश्त का उन्वान है एतकाफ़ बैठना या एतकाफ़ करना सुन्नत। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बान जाएं प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी के हर गोशे में हर तरह से रहनुमाई फरमाई और जन्नत में जाने के सारे रास्ते प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए। मोहतरम नाज़रीन, न जाने कैसी खताएं हो गई हैं जिसकी मार हम मुसलमान या ऐसे कह लीजिए पूरी दुनिया अभी तक झेल रही है। नाज़रीन, इस महामारी के दौर में रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी बिल्कुल हमारे सरों पर, जबकि रमज़ान के आखिरी अशरे में मुसलमान मस्जिदों में एतकाफ फरमाया करते थे। अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से मस्जिदें बंद है, तो ऐसे आलम में लोगों का सवाल है कि अब क्या किया जाए, एतकाफ कहाँ बैठें, घर में बैठें या ऐसे ही मस्जिदों में बैठें, क्या किया जाए, लोग ये पूछ रहे हैं। नाज़रीन, ये बात अच्छी तरह से याद कर ली जाए, ज़्यादातर बातें वही पूछ रहे हैं जिन्हें न रोज़े से मतलब है, न नमाज से मतलब है, न सदका व खैरात से मतलब है। यानी यही वो लोग हैं जो ज़्यादातर पूछ रहे हैं। हालांकि अल्लाह के बंदे हालात से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे उलमा इस बारे में या ऐसे ही दीन के तमाम उमूर के बारे में लोगों को गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। चलिए, मिंबरों मेहराब बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला की एक नेमत ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये सारे ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हमारे उलमा लगे हैं गाहे बगाहे। अल्लाह ताला हमारे उलमा की इन सारी खिदमात को कबूल फरमा कर इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, एतकाफ का माना समझ लेते हैं। एतकाफ का माना लगवी तौर पर खुद को रोक लेना, कैद कर लेना या ऐसे ही किसी के जानिब मुतवज्जह हो जाना और उसकी तरफ से चेहरा ना हटाना। इस्लाम की इस्तलाह में, यानी शरीयत की इस्तलाह में एतकाफ कहते हैं कि खुद को मुतय्यना मुद्दत तक के लिए मस्जिदों में रोक लेना और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब मुतवज्जह होना, यानी सारी दुनिया से कट करके खुद को मुतय्यना मुद्दत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब मस्जिदों में रह करके इबादत का नाम किसी को एतकाफ कहा जाता है। आइए हम समझ लें हदीसों के हवाले से। सही बुखारी किताबुल एतकाफ हदीस नंबर 2026 2026, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअतकिफु अशर अलवाखिर मिन रमजान हत्ता तवफ्फाहु अल्लाह ثم اعتكف ازواجه من بعده, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात तक रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे, फिर आपके बाद अजवाज मुतहरात एतकाफ किया करती थी। मोहतरम नाज़रीन, पता ये चल रहा है कि एतकाफ ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी इस सुन्नत की इत्तबा सहाबा ने
और ऐसे ही अज़वाज मुतहरात ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और फिर आपकी वफ़ात के बाद भी किया, और जिसे हम और आप कर रहे थे अभी तक। लेकिन अब ऐसा माहौल है, ऐसा आलम है कि अब हमारे लिए मस्जिदें बंद हैं, तो हम मस्जिदों में यकीनन जो है नहीं आ सकते हैं, परेशानियां हैं। तो अब ऐसे आलम में क्या किया जाए, तो लोग कह रहे हैं कि घरों में बैठा जाए। याद रख लेना, एतकाफ सिर्फ और सिर्फ चाहे मर्द हो या औरत, सब के लिए मस्जिद ही करार पाया गया है और किताब सुन्नत के अंदर मस्जिद ही पाया गया है, घर नहीं। क्योंकि अल्लाह सुभानहु व तआला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 के अंदर बयान फरमाया, वला तुबाशिरुहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद। इस आयत करीमा के टुकड़े से पता ये चल रहा है कि एतकाफ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में है, घर में नहीं, ना ऐसे ही और किसी जगह पर। इसीलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको, और ऐसे ही तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इस लॉकडाउन के अय्याम ही में, यानी 17 से पहले ही आखिरी अशरा शुरू हो जा रहा है, तो कहाँ से आप एतकाफ बैठ सकते हैं। लिहाजा आप इसके पीछे ना पड़े, बल्कि अल्लाह सुभानहु व तआला से दुआ करें, इबादतों को अंजाम दे, अल्लाह मुसीबतों से हमें नजात दे, परेशानियों से पूरे आलम को रब्बुल आलमीन तू नजात अता फरमाए, सारी दुआएं करें। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हर साल एतकाफ किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, उलमाए सलफ़ के हवाले से बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी, और ऐसे ही जिन्होंने नियतें की थी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी उनकी नियतों के एतबार से एतकाफ का सवाब रब्बुल आलमीन अता करेगा। क्योंकि उज्र है, उज्र की बिना पर यह सुन्नत साकित हो जा रही है। लिहाजा आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, रब्बुल आलमीन हमें जो है रमज़ानुल मुबारक की सारी सआदतें अता फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें सारी मुसीबतों से नजात अता फरमाएं। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।